हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ श्रीवास्तव। वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गोरिल्ला। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एक नया चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जाना था, जैसे कि जीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं, ट्रेट्स क्या होते हैं, और होमोजाइगस हेटरोजाइगस एलील्स क्या होते हैं, जीनोटाइप्स फिनोटाइप्स क्या होते हैं। ये सब हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स और मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। जैसा कि हमने हेरिडिटी चैप्टर में बात की थी कि हेरिडिटी का मतलब होता है पेरेंट्स से बच्चों में ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक। तो वो जो ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं, इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में, वो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होते हैं। तो उन्हीं रूल्स को आज हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ मेंडल का कंट्रीब्यूशन भी देखेंगे, क्योंकि ये जो रूल्स हैं जिससे ट्रेट इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में, वो रूल्स मेंडल ने दिए थे, तो इनके बारे में जानना भी जरूरी है, तो इनको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। अब देखिए, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। तो क्या होगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो फादर और मदर दोनों से इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल आता है। ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटर्नल डीएनए। तो क्या होगा, जब बच्चे में कोई भी ट्रेट होगा, वो ट्रेट पैटर्नल डीएनए और मैटर्नल डीएनए दोनों से इन्फ्लुएंस होगा, ठीक। देखिए, किसी भी बच्चे में हर ट्रेट के दो वर्जन होते हैं। जैसे सपोज दैट मदर की हाइट शॉर्ट है और फादर की हाइट टॉल है, तो बच्चे के पास दोनों जीन जाएंगे, टॉल वाला जीन भी जाएगा और शॉर्ट वाला जीन भी जाएगा। और एक बार एग्जांपल, जैसे मदर का स्किन कलर फेयर है और फादर का डार्क है, तो बच्चे के पास दोनों जीन जाएंगे, डार्क कलर वाला जीन भी जाएगा और फेयर कलर वाला जीन भी जाएगा। पर बच्चे का स्किन कलर क्या होगा, जीन तो उसके पास दोनों हैं, पर बच्चे का स्किन कलर क्या होगा, क्या दिखेगा। जैसे हाइट के लिए उसके पास जीन तो दोनों हैं, टॉल भी है शॉर्ट भी है, पर उसकी हाइट कैसी होगी, टॉल होगी या शॉर्ट होगी। तो ये इन सब चीज़ों का आंसर हमें मिलेगा रूल्स। तो रूल्स इसीलिए पढ़े जाते हैं, रूल्स बताते हैं कि बच्चे में कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस होगा, बच्चे की हाइट टॉल होगी या शॉर्ट होगी, बच्चे का स्किन कलर फेयर होगा या डार्क होगा। ये सब हमें मेंडल ने बताया था कुछ सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडल के बारे में या मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं ग्रेगर मेंडल के बारे में। इनका जन्म सन 1822 में हुआ था। ग्रेगर मेंडल ने वियना यूनिवर्सिटी से अपनी साइंस और मैथमेटिक्स की पढ़ाई पूरी करी। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने टीचिंग सर्टिफिकेट के लिए एक एग्जाम दिया, उसमें ये फेल हो गए थे। फेल होने के बाद इन्होंने हार नहीं मानी, वापस से अपने घर पे आए। घर पे इन्होंने अपने गार्डन में पी प्लांट्स को उगाना शुरू किया। पी प्लांट्स को उगाते उगाते इन्होंने उनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और अपनी साइंस और मैथमेटिक्स की नॉलेज को ब्लेंड किया। और ये सब करने के बाद इन्होंने कुछ रूल्स दिए, जिनको आज हम लोग रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए, इन्होंने किया क्या था, व्हाट मेंडल डू, मेंडल यूज अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर ऑफ गार्डन पीस। गार्डन पीस के बहुत सारे कैरेक्टर्स को इन्होंने यूज किया जो दिख रहे थे, विजिबल कैरेक्टर्स, जैसे कि राउंड रिंकल्ड सीड, जो मटर के दाने होते हैं, राउंड और रिंकल्ड सीड, उनको यूज किया। टॉल शॉर्ट प्लांट हाइट को भी यूज किया, और वाइट वायलेट फ्लावर, फ्लावर के कलर को भी यूज किया, ठीक। फिर देखिए, ऐसे करके इन्होंने कुछ दो तरह के क्रॉस किए, एक होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक होते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, ओनली वन कैरेक्टर इज कंसिडर्ड वाइल्ड क्रॉसिंग। मेंडल का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है, जब इन्होंने दो पी प्लांट को क्रॉस कराया था तो इन्होंने केवल एक ही कैरेक्टर यानी कि हाइट को ही कंसिडर किया था, इसीलिए इन्होंने उसको नाम दे दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि वहां पे केवल एक ही कैरेक्टर यानी कि हाइट की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इसकी थोड़ी साइंटिफिक डेफिनेशन देखिए, क्रॉसेज दैट स्टडी, ऐसे क्रॉसेज जो स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ सिंगल जीन, किसी सिंगल जीन के इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करने वाले क्रॉसेज को बोला जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब देखिए, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम लोग डिटेल में देखेंगे, इन्होंने क्या क्या किया था, कैसे किया था। देखिए फ्रेंड्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रोसीजर, क्रॉस अ टॉल प्लांट विद शॉर्ट प्लांट। मेंडल ने सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया, एक टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट से क्रॉस कराया। फिर मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स ऑफ एफ वन प्रोजेनी वर टॉल। मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया, एफ वन प्रोजेनी यानी कि जब पहली बार क्रॉस कराते हैं, तो पहली बार क्रॉस कराने के बाद
जो ऑफस्प्रिंग आती है, जो जनरेशन आती है, जो प्लांट्स आते हैं, उसको बोलते हैं F1 जनरेशन या F1 प्रोजेनी। ठीक है, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया टॉल और शॉर्ट प्लांट को क्रॉस कराने के बाद F1 प्रोजेनी में जो प्लांट्स आए वो कैसे आए, ऑल टॉल प्लांट्स आए। ठीक है, देयर वर नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें से एक भी ऐसा प्लांट नहीं था जिसकी हाइट मीडियम हाइट हो। सारे प्लांट्स कैसे आए, टॉल आए, इसलिए यहां पे लिखा है देयर वर नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, बीच का कोई नहीं आया, सभी टॉल आए, ऑल प्लांट्स वर टॉल, दिस मीन्स। अब मेंडल ने देखा जब F1 प्रोजेनी में सारे प्लांट्स टॉल हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों पेरेंट में से किसी एक ही पेरेंट के ट्रेट क्या है, वो दिख रहे हैं बच्चे में। ठीक है, तो देखिए ऑल प्लांट्स वर टॉल, दिस मीन्स दैट ओनली वन ऑफ पेरेंटल ट्रेट, दोनों पेरेंट्स में से किसी एक ही पेरेंटल ट्रेट वॉज सेम। ठीक है, लिखा है ना भाई, दिस मीन दैट ओनली वन ऑफ पेरेंटल ट्रेट वॉज सेम, नॉट सम मिक्सचर ऑफ टू। मतलब F1 प्रोजेनी में दोनों में से किसी एक ही पेरेंट के ट्रेट दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि दोनों का मिक्सचर हो जाए और यहाँ पे कोई मीडियम हाइटेड प्लांट आ जाए। तो वही लिखा है नॉट सम मिक्सचर ऑफ टू, दोनों का मिक्सचर नहीं दिख रहा है, केवल दोनों पेरेंट में से किसी एक पेरेंटल ट्रेट ही बच्चे में दिख रहा है। ओके, फिर बात आती है, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन मेंडल फॉर्मुलेटेड लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, क्यों, मेंडल ने टॉल प्लांट भी लिया था और शॉर्ट भी लिया था, पर बच्चे सारे कैसे आ गए, कैसे प्लांट्स आ गए, सारे टॉल आ गए। इसी की बेसिस पे मेंडल ने एक लॉ दिया जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, इन लॉज को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए फिर आगे क्या किया मेंडल ने, नेक्स्ट मेंडल सेल्फ क्रॉस्ड F1 प्रोजेनी। फिर उसके बाद मेंडल ने जो F1 प्रोजेनी में जो पहली जनरेशन में जो बच्चे आए थे उनको आपस में क्रॉसिंग करा दी, ये जो प्लांट्स है ना इनकी प्लांट्स की आपस में क्रॉसिंग करा दी। देखिए ये थे ना, इनको ले लिया आपस में क्रॉसिंग करा दी इनकी। फिर ही फाउंड दैट जब इन्होंने मेंडल ने F1 प्रोजेनी में जो प्लांट्स आए थे उनकी सेल्फिंग कराई, उनको आपस में क्रॉस कराया, तब इन्होंने ऑब्जर्व किया कि 70% प्लांट्स जो आए हैं F2 जनरेशन यानी सेकेंड जनरेशन में, 75% जो प्लांट्स आए हैं वो कैसे हैं, टॉल हैं, और 25% प्लांट्स कैसे हैं, शॉर्ट हैं। तो ये टॉल थे और ये लास्ट में एक शॉर्ट। ठीक, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन मेंडल फॉर्मुलेटेड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो लॉज को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये है। ओके,